अब आप लोग सिर्फ एक वीडियो को चार पेज पर अपलोड करके चारों पेज से अर्निंग कर सकते हो, चारों पेज को मोनिटाइज कर सकते हो। और ये मैं आप लोग को ऐसा ही नहीं बता रहा हूँ, इस वीडियो में आप लोग को टोटल प्रूफ के साथ बताऊंगा कि चार पेज पर एक ही वीडियो अपलोड करके आप लोग कैसे अर्निंग कर सकते हो, कॉपीराइट से कैसे बचना है, क्या क्या आप लोगों को चीज़ों को ध्यान रखना है ताकि आपका पेज रिजेक्ट ना हो, मोनिटाइज हो जाए और मोनिटाइज होने के बाद भी उसमें कोई भी दिक्कत ना हो और आप लोगों के चारों पेज से अच्छा खासा अर्निंग हो जाए। तो मैं बहुत पहले ही आप लोगों को बताया था कि एक पेज कभी भी क्रिएट नहीं करिए, आप लोगों को कम से कम पांच पेज क्रिएट करना है, उस पर दबा के काम करना है। लेकिन आप लोगों ने अब क्रिएट किया, मतलब कि पहले से आप लोग नहीं कर रहे थे, तो अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था, तो इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप लोगों को बता सकूं कि चारों पेज से आप लोग कैसे अर्निंग कर सकते हो, चार पेज बनाने का या पांच पेज बनाने का फायदा क्या है, एक वीडियो को चारों पेज पर कैसे यूज करना है। तो यह सब मैं आप लोगों को अभी लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो चलिए मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं, सारे पेज को आप लोगों को दिखाऊंगा जो चार पेज है जिससे अर्निंग होती है एक ही वीडियो को डालकर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक पेज को बनाया था, मतलब कि 7-8 दिन पहले, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था, वहाँ पर सिर्फ 1-2 फॉलोवर्स थे, तभी मैं इस पेज को आप लोगों को दिखाया था। लेकिन अभी इस वीडियो पर अच्छा खासा फॉलोवर्स और रीच भी आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अपने प्रोफाइल पर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पेज का नाम है भगवान के भक्ति। मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए इस पेज को मैं बनाया हूँ, ऐसा नहीं कि इससे मुझे कुछ अर्निंग करना है, बस एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया हूँ और ट्राई कर रहा था कि वायरल होता है या नहीं। तो यहाँ से मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ से वीडियो वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं एक वीडियो को अपलोड किया था 19 अगस्त को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं व्यूज देख लीजिए 1,84,000। अब आप लोग कहोगे कि पेड वाले ग्रुप में शेयर कर लियो, तो यहाँ से मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस वीडियो में शेयर कितना है, 54 है। और ये जो 54 शेयर आया है, ये आप लोग को अगर मैं ग्रुप में शेयर करता था, यहाँ से ये लाइक नहीं आता 10 के। आप लोग को पता है कि जैसे ही आप कोई भी ग्रुप में या कहीं पर भी शेयर करते हो तो आपकी वीडियो पर लाइक नहीं आता है, कमेंट भी नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अच्छे खासे कमेंट भी है और यहाँ पर आप लोग को लाइक भी दिख रहा होगा। ये हो गया सिर्फ एक पेज। इस तरह के मैं 5 पेज क्रिएट किया था अलग अलग नाम से, सेम नाम से मैं क्रिएट नहीं किया था। उसके बाद मैंने सिर्फ एक वीडियो को डाउनलोड किया था जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जैसे मैं अभी भी सर्च करके यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग भी भक रह जाओगे कि इतना ज़्यादा व्यूज इस पर कैसे आता है। मैं यहाँ से सिंपली क्लिक करता हूँ अपने प्रोफाइल पर और इस टाइटल को मैं कॉपी करता हूँ, जिस टाइटल पर मैं वीडियो यहाँ पर डाला हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हो मैं सेम इसी टाइटल को कॉपी करके वहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं सर्च करता हूँ इस सीरियल को, उसके बाद यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 3 घंटा पहले भी एक वीडियो आया है जिस पर 4200 व्यू है। मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ, नीचे जाकर आप लोगों को दिखाता हूँ कि हर वीडियो यहाँ से वायरल होता है। इस पर यही एक ट्रिक है जिससे आप लोग कर सकते हो। ये देखो कि इतना 48 मिनट पहले एक वीडियो आया था जिस पर 281 व्यू है, 6 मिनट का वीडियो है। मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को जितना भी दिख रहा होगा ये तो ओरिजिनल है, जो आप लोगों को ब्लू टिक वाला दिख रहा है ये ओरिजिनल चैनल है, तो मैं यह फेंकना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जितना भी वीडियो है, ये देखो यहाँ पर भी एक वीडियो अपलोड हुआ है, उस पर भी व्यूज है, ये देख लो कितना व्यूज है, 11,000, 2,000। यहाँ से अगर इस तरह का अगर आप लोग वीडियो अपलोड करते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 16,000। तो इसमें ट्रिक क्या था ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं सिंपली गया था यूट्यूब पर, यूट्यूब पर जाने के बाद इस सीरियल का नाम वहाँ पर मैं सर्च किया हूँ और सर्च करते ही मेरा सीरियल आ चुका था। लेकिन मैं वो यूज़ नहीं किया जो कि मेन चैनल का, मैं वो वीडियो को यूज किया था जिसका कोई फेसबुक अकाउंट ही नहीं था, उसका ही मैं यूज किया था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं कॉपीराइट का अगर झंझट में पड़ूँ तो मुझे कोई भी अर्निंग नहीं होगी और मैं उसी में फंसा रह जाऊँगा, इसलिए मैं उस वीडियो को यूज किया था जिसमें कोई भी दिक्कत ना हो, जिसका कोई भी फेसबुक अकाउंट ही नहीं था। तो मैंने कहा क्या कि वहां से डाउनलोड किया और 5 पेज पर सिंपली अपलोड कर दिया। 5 पेज पर जैसे ही अपलोड किया हूं, यहां से मैं आप लोग को इसका रीच भी दिखाऊंगा। जैसे मैं 5 पेज पर अपलोड किया, यहां से मुझे कहा मिला कि एक वीडियो पर 10,000 व्यू गया, उसके बाद 3,000 गया, उसके बाद एक पर यहां पर आप लोग देख सकते हो कि कितना व्यू है, यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा 1,84,000। तो मैंने कहा गया कि सारे वीडियो को उस पेज से डिलीट कर दिया, जहां से था वहां से मैं सारे वीडियो को डिलीट कर दिया और यहां पर यह हो गया है मेरा ओरिजिनल कंटेंट, क्योंकि मेरा चारों वीडियो का डिलीट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा कि इस पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा जैसे कि इसी से रिलेटेड। तो वो जो मेरा जो 4 पेज था जिसको मैं अपलोड के 5 पेज बनाया था, मेरा जो पीछे 4 पेज बचा हुआ है उसे क्या करूंगा कि उस पर भी वीडियो जाते रहेगी। अभी कुछ अलग जाएगी लेकिन इस पर अलग रहेगा, लेकिन फॉलोवर्स एक ही कैटेगरी का रहेगा। फायदा ये है जैसे ही आप लोगों का ये पेज मोनिटाइज होगा, एक कोई भी पेज आपका मोनिटाइज हुआ, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसे करना है और यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है नेक्स्ट पर, यहाँ से शेयर वाले बटन पर क्लिक करना है और वो सारे पेज में जाकर यहाँ से शेयर नाउ पर क्लिक कर देना है, क्योंकि इसी कैटेगरी का फॉलोवर्स है और आपका वो भी वीडियो वायरल होगा। वहाँ पर जो भी मतलब 8, 10 या 500, 600 जितना भी फॉलोवर्स है सारे आपके वीडियो को देखेंगे, क्योंकि वो लोग भी इसी कैटेगरी के हैं। तो
तो 5 या 6 पेज बनाने का यही एक फायदा होता है और इसमें ग्रुप का कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको कंटिन्यू 7 से 8 दिन एक ही पेज पर काम करना है, सेम वीडियो अपलोड करना है और सेम कैटेगरी को फॉलोवर्स को लाना है और उसके बाद 4 पेज को छोड़ देना है और 1 पेज पर काम करते रहना है। लेकिन वो 4 पेज कॉपीराइट कुछ भी यूज करो, मतलब कि जितना मन हो उतना दबा के, तो उसके बाद आपको उस पर जो भी यूज करना है, जो भी कंटेंट डालना है इससे रिलेटेड, कॉपीराइट भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर से अपलोड करो और उसके यहाँ से शेयर वाले जो मैं आपको ट्रिक बताया उसको यूज करो। यहाँ से रिकमेंडेशन की बात कर ले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिकमेंडेशन में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉपीराइट पेज रहता है तो उसमें दिक्कत आ जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रीच भी कितना अच्छा खासा आप लोगों को मिल रहा है 28 दिन के अंदर, सिर्फ एक वीडियो से इतना ज़्यादा रीच है। आप लोगों को मैं यहाँ से दिखा दूँ, देखो नीचे मेरा लाइव है, बाकी कुछ भी नहीं है। और जैसे ही आप लोग 4 पेज बनाते हो तो सभी पर लाइव कर लो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं लाइव कर दिया हूँ 5, पहले आप लाइव कर लो सभी पर ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, फिर से आपको लाइव करने का कोई जरूरत न पड़े। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रीच भी अच्छा खासा, फॉलोवर्स भी आप लोग को अच्छा खासा मिल रहा है। अभी इस पर काम स्टार्ट होगा क्योंकि ये पेज वायरल हो चुका है और वो 4 पेज को स्टॉप करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो डालेंगे। और इस तरह से आपके 4 पेज पर भी अर्निंग हो सकता है, क्योंकि एक पेज है इसका जो वीडियो आप वहाँ पर शेयर करोगे तो वहाँ से भी जो भी कमाई होगा आप लोगों को इसी पेज पर मिलेगा, मतलब कि आपको ही मिलेगा, क्योंकि ग्रुप में आप शेयर करवाते तो पैसा लगता है, तो यहाँ से ग्रुप का काम आपका पेज करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।